नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपनी चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हिंदी की कक्षा में आज हम शुरू कर रहे हैं विलोम शब्दों से। दोस्तों, आज ये टॉपिक हमने एक नया ही टॉपिक चुना है। आप सोच रहे हो कि पहले के जो टॉपिक हैं उनको भी पूरा कराया जाएगा दोस्तों, लेकिन आज मैं एक नवीनपन लाया हूँ आपके लिए। हिंदी के अंदर विलोम शब्द जो टॉपिक है वो बहुत कम जो है रीट के लिहाज से जो है आपको वीडियो मिलेंगे। रीट के लिहाज से वैसे विलोम शब्द की काफ़ी वीडियो हैं, लेकिन रीट के लिहाज से जो वीडियो हैं आपको काफ़ी कम मिलेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे विलोम शब्दों पर, और 25 विलोम शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में मैं आपको उनके अर्थ भी बताता चलूँगा। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले विलोम शब्द का अर्थ समझते हैं। विलोम यानी उल्टा, यानी कोई भी शब्द हो उसका विपरीत शब्द, यानी अच्छा तो बुरा, सच्चा तो झूठा, इस प्रकार के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ही विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आज हम पहला जो ए उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द है उनकी चर्चा कर रहे हैं, यानी वह विलोम शब्द जो ए उपसर्ग लगकर ही विलोम शब्द बनते हैं। देखो, पहला है कर्म। कर्म का क्या होगा? अकर्म। कर्म यानी कोई कार्य करना, अकर्म यानी कार्य नहीं करना, कर्म नहीं करना। दूसरा है कर्मण्य। कर्मण्य यानी कर्म करने वाला, अकर्मण्य कर्म नहीं करने वाला। काल यानी काल, अकाल यानी काल नहीं है जो। क्षम्य यानी क्षमा करने वाला, क्षमा करने वाला अपराध, अक्षम्य यानी क्षमा नहीं करने वाला। खाद्य खाने वाला, अखाद्य खाने वाला नहीं। गोत्र यानी जो गोत्र भूमि आप सुनते हो वो, अगोत्र यानी गोत्र नहीं। चल यानी चलने वाला, अचल यानी स्थिर। ज्ञात जानने वाला, अज्ञात जो जाना नहीं जा सके। तुकांत यानी तुकबंदी के साथ, अतुकांत यानी बिना तुकबंदी। देये देने योग्य, अदेये बिना देने योग्य। धैर्य यानी धैर्य धारण करना, अधैर्य यानी धैर्य धारण नहीं करना। निद्रा यानी नींद, अनिद्रा। निद्रा यानी किसी की निद्रा करना, यानी किसी की आलोचना करना, अनिद्रा यानी आलोचना नहीं करना। नैतिक यानी कोई अच्छा नैतिक आचरण, अनैतिक बुरा आचरण। परिचित किसी व्यक्ति से परिचित होना, अपरिचित कोई अनजान होना। प्रसन्न यानी खुश होना, अप्रसन्न दुखी होना। पवित्र कोई पवित्र कार्य, अपवित्र यानी कोई पवित्र कार्य नहीं। पात्र यानी किसी चीज़ का पात्र होना, अपात्र यानी पात्र नहीं होना। पूर्ण कोई काम पूर्ण होना, अपूर्ण कोई काम अधूरा होना। आगे देखो, 19 नंबर है कारण, अकारण। कारण मतलब कोई कारण होना, अकारण मतलब बिना कारण। क्षत यानी कोई क्षत होना, अक्षत यानी, अक्षत का एक अर्थ दोस्तों चावल भी होता है। अक्षत का एक अर्थ क्या होता है? संस्कृत में अक्षत जो है चावल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्षर जो मिटने वाला, अक्षर मिटने वाला नहीं, अक्षर को हम कहते हैं जिसका क्षर नहीं हो सके, नाश नहीं हो सके, क्षर यानी नाश होने वाला। गत यानी जाने वाला, अगत यानी नहीं जाने वाला। ग्राह यानी ग्रहण करने योग्य, अग्राह्य ग्रहण करने योग्य नहीं। गेय यानी गे, अगेय यानी गे नहीं। चर यानी चरण करने वाला, अचरण अचर यानी चरण या विचरण नहीं करने वाला। तो दोस्तों, ये है 25 विलोम शब्द जो आपको बता दिए गए हैं। कल हम जो है 25 विलोम शब्द और लाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पर्यायवाची शब्द हो और विलोम शब्द हो, आपको इन्हें याद करना ही होगा, और डेली 20-25 अगर आप याद करोगे तो आपको परीक्षा तक बहुत सारे आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची से आपका जो है शब्दकोश भर जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सब अपने अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें।